जेड प्लस सिक्योरिटी फाइव स्टार होटल में रिहाइश का क्याम, सैर के लिए एसयूवी गाड़ी, पीएमओ गार्ड और भी बहुत कुछ। हम बात कर रहे हैं ऐसे अफसर की जिससे जम्मू कश्मीर के अफसरान की दौड़े लगवाई, लेकिन आखिर पर ठग निकला। एक हाई प्रोफाइल मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुजरात के एक ऐसे ठग को गिरफ्तार कर लिया है जिसने खुद को वजीर आजम मोदी के दफ्तर में एडिशनल डायरेक्टर जतलाकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया से प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी हासिल की। इसके अलावा उसने कई सियाहती मुकामात बशमूल गुलमर्ग की सैर व तफरी भी की और फिर वीडियोस भी बनाकर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए जिनमें उनके हमरा सिक्योरिटी भी देखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मजकूरा शख्स की शिनाख्त गुजरात के रहायशी किरण पटेल के तौर पर हुई है। किरण पटेल गुजश्ता कई दिनों से श्रीनगर के गुपकार रोड पर वाक़ आलिशान ललित होटल में बतौरे जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मेहमान थे। इसके अलावा उन्होंने बस्ती जिला बडगाम के मारूफ सियाहती मुकाम दूध पथरी की सैर भी की जहां बीरवा के सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके मेज़बान थे। दौरे के दौरान उन्होंने दावा किया कि उन्हें हुकूमत ने जनूबी कश्मीर में सेब के बागात के ख़रीदारों की निशानदेही करने का मैंडेट दिया था। वहीं उन्होंने ये दावा भी किया कि हुकूमत ने उन्हें होटलों की सहूलियात में बेहतरी लाने का काम सौंपा है। लाल चौक में भी घंटाघर के सामने उनकी तस्वीर वायरल है। उन्होंने कमान पोस्ट उड़ी का भी दौरा किया जबकि वो गुज़श्ता साल 27 अक्टूबर से वादी का दौरा कर रहे थे। पहली बार उन्होंने अपनी फैमिली भी साथ लाई थी और अब तक वो 4 बार वादी का दौरा कर चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मजकूरा ठग गुज़श्ता कुछ हफ्तों से श्रीनगर में मुकीम था जिस दौरान उसने सियाहती मुकामात का दौरा किया और चंद जिला कमिश्नरों से भी मुलाकात की। अब पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है कि मजकूर शख्स ने किस अफसर से राबता करके इंतजामिया को धोखा दिया। पुलिस के मुताबिक किरण पटेल ने कई अफराद को धोखा देकर लाखों रुपए भी हड़प किए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस मामले में निशात पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किरण पटेल को गिरफ्तार करके मुकामी अदालत की हिदायत पर उन्हें अदालती तहवील में रखा है। पटेल को 2 मार्च को पहले गिरफ्तार किया गया और इस खबर को खुफिया रखा गया और जुमेरात को उन्हें अदालती तहवील में भेजने के बाद यह खबर मंजर आम पर आई। इस वाक़े को जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बड़ी सिक्योरिटी चूक करार दिया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ब्यूरो रिपोर्ट, नोके कलम।